hello everyone welcome back let's begin with the new question the question says which of the following matrices are singular or non-singular and the matrix is a b c p q r 2a minus p 2b minus q 2c minus r very easy question so without wasting any time let's quickly begin with the solution first of all is matrix hum kuch dete, let's say this matrix is a so a is this whole matrix अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये मेट्रिक सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर आई होप ऑल ऑफ यू नो दैट सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है राइट right? तो अगर किसी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू है जीरो तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स और अगर किसी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू है नॉन जीरो तो इट इज कॉल्ड ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो हमको सिंपली जो भी मैट्रिक्स दी हुई है उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करनी है अगर वो जीरो आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी और नॉन जीरो आ जाए तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो लेट्स फाइंड डिटर्मिनंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी पी क्यू आर टू ए माइनस पी टू बी माइनस क्यू एंड टू सी माइनस आर अब देखिए इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका यह है कि हम इसको एक्सपेंड कर दे जो नॉर्मल थ्री बाई थ्री का एक्सपेंशन होता है आप वो वाला मेथड यूज करके भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं और लास्ट में चेक कर सकते हैं कि इसकी फाइनल वैल्यू जीरो है या नॉन जीरो बट इसको सोल्व करने का एक दूसरा काफी आसान तरीका भी है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट और प्रॉपर्टीज यूज करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा रोज को थोड़ा बहुत मैनुपलेट करना पड़ेगा कैसे लेट्स सी वन बाय वन यहाँ पर देखिए अगर ये एलिमेंट को हम ध्यान से देखें तो ये है ए अगर इसको मैं टू से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यह हो जाएगा टू ए और उसमें से अगर मैं ये p को माइनस कर दूं सब्रैक्ट कर दूं तो क्या बन जाएगा 2a ए माइनस पी जो एक्जेक्टली exactly इस एलिमेंट जैसा बन जाएगा राइट तो ओवरऑल मैंने क्या किया a को 2 से मल्टीप्लाई किया और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया p को अब ये जो a है a किसको बिलोंग कर रहा है रो नंबर वन को राइट फर्स्ट रो को बिलोंग कर रहा है और ये जो p है ये किसको बिलोंग कर रहा है रो नंबर टू को तो ओवरऑल वॉट आई एम डूइंग ऑन रो नंबर वन इज रो वन को टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और उसमें से सब कर रहा हूं रो नंबर टू को मीनिंग टू टाइम्स आर वन माइनस आर टू तो ये जो पूरे आर वन के एलिमेंट सब किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 से और उनमें से R2 को हम क्या कर देंगे फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए जो फर्स्ट एलिमेंट है R1 का A, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 2A, एंड देन माइनस करना है R2 को R2 मतलब उसके लिए A के लिए R2 क्या हो जाएगा P, करेक्ट हॉरिजॉन्टल ये फर्स्ट रो है आपकी आर वन और ये आपकी रो नंबर टू और ये रो नंबर थ्री और हम ऑपरेट किसको कर रहे हैं रो नंबर वन को तो रो नंबर वन पे क्या हो रहा है माइनस पी तो ये जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है ये क्या बन जाएगा टू ए माइनस पी सिमिलरली आर वन का जो नेक्स्ट एलिमेंट है बी इसको भी आप किससे मल्टीप्लाई करोगे टू से तो ये हो जाएगा टू बी और इसके लिए R2 है Q तो ये टोटल क्या बन जाएगा 2b बी माइनस क्यू एंड सिमिलरली R1 की थर्ड वैल्यू है थर्ड एलिमेंट है सी सी टू इंटू सी और माइनस इसके लिए करस्पॉन्डिंग R2 हो जाएगा R तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 2c सी माइनस करेक्ट तो R1 पे हमने क्या ऑपरेशन किया है टू टाइम्स आर वन माइनस आर टू मतलब आर वन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको टू से मल्टीप्लाई करके उनके करस्पॉन्डिंग आर टू वाले एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर दिया है अब देखिए आर टू और आर थ्री हमने कुछ नहीं किया तो वो दोनों एलिमेंट एज इट इज आ जाएंगे पी क्यू आर एज इट इज एंड टू ए माइनस पी टू बी माइनस क्यू एंड टू सी माइनस आर अब ऐसा करने के बाद यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि रो नंबर वन और रो नंबर थ्री जो है वो एग्जैक्टली exactly आइडेंटिकल है राइट right? रो नंबर वन एंड रो नंबर थ्री आर वन एंड आर थ्री आर आइडेंटिकल और अगर डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है जीरो राइट right? तो क्योंकि इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो आ गई है और अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू है जीरो मीनिंग दिस मैट्रिक्स इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो